चीन में फैले घातक कोरोना वायरस ने अब तक 76 लोगों की जान ले ली है और करीब 5,700 से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं। कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक आपात स्थिति की घोषणा नहीं की है। यहाँ जाने कोरोना वायरस क्या है, कैसे फैलता है और इसके संक्रमण के क्या लक्षण हैं। क्या है कोरोना वायरस? कोरोना असल में वायरसों का एक बड़ा समूह है जो जानवरों में आम है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार कोरोना वायरस जानवरों से मनुष्यों तक पहुंच जाता है। यह नया चीनी कोरोना वायरस सॉर्स वायरस की तरह है। इसके संक्रमण में बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएँ होती हैं। यह न्यूमोनिया का कारण भी बन सकता है। इसकी स्थिति मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब कि MERS और सेवल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सॉर्स से काफ़ी मिलती जुलती है। हांगकांग विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के वायरोलॉजिस्ट लियो पुन, जिन्होंने पहले इस वायरस को डिकोड किया था, उन्हें लगता है कि यह संभवतः एक जानवर में शुरू हुआ और मनुष्यों में फैल गया। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? WHO के मुताबिक कोरोना वायरस एक जूनेटिक है। इसका मतलब यह है कि यह जानवरों से मानवों में फैलता है। माना जा रहा है कि सी फूड खाने से यह शुरू में फैला था, लेकिन अब कोरोना वायरस मानव से मानव में भी फैल रहा है। यह कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकता है। खांसी, छींक या हाथ मिलाना जोखिम का कारण बन सकता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के छूने और फिर अपने मुंह, नाक या आँखों को छूने से भी वायरस का संक्रमण हो सकता है। कोरोना वायरस के लक्षण। इस वायरस से मरने वालों की औसत उम्र 73 साल है। मृतकों में सबसे ज़्यादा उम्र दराज शख्स 89 साल का था, जबकि सबसे कम उम्र के लिहाज से 48 साल के व्यक्ति की मौत हुई थी। कोरोना वायरस के लक्षणों में नाक बहना, खांसी, गले में खराश, कभी कभी सिरदर्द और बुखार शामिल है, जो कुछ दिनों तक रह सकता है। कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के लिए यह घातक है। बुजुर्ग और बच्चे इसके आसान शिकार हैं। निमोनिया, फेफड़ों में सूजन, छींक आना, अस्थमा का बिगड़ना भी इसके लक्षण हैं। कोरोना वायरस का इलाज। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। न तो कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन बनी है और न ही 2019 NCOV की। इससे बचने का यही तरीका है कि एहतियात बरतें, किसी बीमार, जुकाम, निमोनिया से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें, मास्क पहने, अपनी आँखों, नाक और मुँह को न छूए, हाथों को बार बार अच्छे से साबुन से धोए। इससे बचने के उपाय। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने अथवा उसे कम करने के लिए कुछ एहतियात बरतने को कहा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट में कोरोना वायरस के संक्रमण को खतरे को कम करने के उपाय बताए गए हैं। वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला, अपने हाथ साबुन और पानी या अल्कोहल युक्त हैंड रब से साफ करें। दूसरा, खांसते या छींकते वक्त अपनी नाक और मुंह को टिश्यू या मुड़ी हुई कोहनी से ढकें। तीसरा, जिन्हें सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण हो उनके साथ करीबी संपर्क बनाने से बचें। चौथा, मीट और अंडों को अच्छे से पकाएं। और पाँचवा, जंगल और खेतों में रहने वाले जानवरों के साथ असुरक्षित संपर्क न बनाएं।